Jai Mata Di friends, here we go with the second video on R.K. Narayan, or you can say the vendor of sweets. Okay, कि ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम जो नोवल है द वेंडर ऑफ स्वीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर.के. नारायण जी के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा उनके राइटिंग स्टाइल, उनका डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेंडर ऑफ स्वीट, जो नोवल है जो अपने फर्स्ट ग्रेड में है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली हर एक पॉइंट को राइट डाउन किया है यहाँ पे, या फिर डिस्कस करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ में. बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो वो हम जब आफ्टर द वीडियो कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो ये नोवल है उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें जो कुछ रह गया होगा एक दो क्वेश्चन वो उसमें कवर हो जाएंगे. सो मे बी एक या दो वीडियो बन सकते हैं इस नोवल पे. सो लेट्स स्टार्ट. द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये जो स्टोरी है ये इसका जो हीरो है वो जगन है, और उनका उसका एक बेटा है माली, उसकी वाइफ का नाम अंबिका है. और ये जो स्टोरी है ये 5 साल चलने वाली है, मतलब 5 साल की स्टोरी है. इसमें जो स्टार्टिंग होती है जब इसकी इस नोवेल की, तब जो जगन होता है वो 55 ईयर्स का होता है, वो 60 का हो जाता है, और जो माली होता है उसका बेटा वो 20 का होता है, वो 25 का हो जाता है. तो इसमें 5 ईयर स्टोरी लिखी हुई है जगन की, और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जगन द हीरो ऑफ द नोवल. ओके, ये वेंडर ऑफ स्वीट्स है, कि मतलब ये एक मिठाई बेचने वाला है. ये जगन जो है मिठाई बेचता है, और ये जो इसकी फिलॉसफी है वो है एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग टाइप की. ये गांधीयन जो फिलॉसफी है उसको मानता है, कि मतलब जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे ये भी पसंद करते हैं. ये खुद जो धोती कुर्ता है वो अपना खुद बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो हैंडलूम में दे देते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है. बस इसकी जो थॉट होती है ये बहुत ही सिंपल होती है बिल्कुल. और इन्होंने गांधी जी के साथ में नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में भी हिस्सा लिया था जब ये ग्रेजुएट कर रहे थे, तो इन्होंने कंप्लीट नहीं की थी वो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में इन्होंने भाग लिया था. और इसी के बारे में हम आगे देखते हैं. जगन से कॉन्कर टेस्ट, सॉरी दिस इज टेस्ट, कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ. इनका ये मानना है कि अगर आपने अपना स्वाद जीत लिया तो आपने खुद को जीत लिया. मतलब ये कहते हैं कि मतलब इसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, जैसे कि मतलब टेस्ट के लिए वो ये नहीं है कि मतलब को सब कुछ खाता हो, कि मतलब उसने नमक छोड़ रखा है, राइस छोड़ रखा है, और शुगर भी छोड़ रखी है. शुगर की जगह पर वो 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी ही लेता है ओनली. ठीक है, इस नॉवल में ऐसा कैरेक्टर है इसका. लिसनर वॉज ए कज़िन, जो अपनी कोई प्रॉब्लम होती है या ये किसी के साथ सबसे ज़्यादा चीज़ शेयर करता है तो वो है इसका कज़िन. इसमें इसका नाम तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ कज़िन ही बताया हुआ है. ये ही इंटरमीडिएटर है जो जगन है और इनका जो बेटा है माली, जो मैंने बताया था जगन एंड माली फादर एंड सन. सो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर यही है, कि मतलब मोस्टली जो इनको कहना होता है आपस में वो इसी के थ्रू कहलवाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा नहीं बनती है. क्योंकि मोस्टली अगर आप ये देखो कि ये नोवेल है किसके बारे में, तो ये इसी के बारे में है, कि ये जो एक सिंपल सा आदमी है इसमें जगन जो कैरेक्टर है, और ये बिल्कुल सिंपल थॉट रखता है, जबकि इसका बेटा जस्ट इसके ऑपोजिट है. कि मतलब मान सकते हो आप ईस्ट एंड वेस्ट में जैसे कभी मैच नहीं हो सकता, तो वैसे ही इनके आइडियाज़ हैं, वैसे ही इनके फिलॉसफी हैं. तो दोनों बाप बेटों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जनरेशन गैप मान सकते हो आप. सो ही जो कज़िन है वो हमेशा उसकी जगन की शॉप पे जाता है, जो उसकी स्वीट्स की शॉप है, हमेशा आफ्टरनून के बाद में 4:30 आफ्टरनून में जाता है और उसकी स्वीट्स चखता है हमेशा, कि कैसी है उसकी. जगन वोर ए जिब्बा, मतलब जिसे हम कहते हैं कुर्ता, एंड धोती, बोथ ऑफ खादी स्पन बाय हिमसेल्फ. वो जो खुद स्पिनिंग करता है चरखे पे, उससे जो बनी धोती कुर्ता वो पहनता है, और मोस्टली 2 सेट्स ऑफ धोती कुर्ता ही रखता है वो. मतलब दो ही सेट्स रखता है, दो ही जोड़ी रखता है, मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं रखता वो. ही गिवन अप साल्ट राइस शुगर एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट, कि उसने साल्ट राइस शुगर वगैरह सब छोड़ दिया है. शुगर की जगह पे वो 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी लेता है.
जो जगन की वाइफ है अंबिका है और उसका सन माली है एज आई टोल्ड यू अर्लियर. Then next is by 6 in the evening the peak sale were over and the front stall boy brought all the money to Jagan. तो जो जगन है उसका जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है. उसके पास चार लोग हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको. तो इसमें क्या होता है जो पीक सेल्स होती है कुछ शाम को 6 बजे तक होती है. उसके बाद में जो वो जो भी कुछ कमाता है उसके क्योंकि वो 7:30 बजे घर जाता है तो 6 बजे के बाद में जो भी वो कमाता है उसका वो टैक्स पे नहीं करता है. वो टैक्स फ्री रखता है. वो पैसों को घर में ले जाके जमा करता है. और जो जगन के पास हैं 4 कुक्स हैं, 4 खाना बनाने वाले, 1 फ्रंट स्टॉल बॉय है मतलब जो सामने स्टॉल लगाता है उसकी दुकान के सामने, और 1 वॉचमैन है. जो वॉचमैन है वो 1 एक्स सर्विसमैन है और उसको इस नोवल में कैप्टन नाम से बुलाया जाता है. उसको कैप्टन कहा जाता है कि वो कुछ भी बोलता है जगन उसको तो कैप्टन कह के बुलाता है उसको. और जो जगन की जो चेयर है जो उसकी स्वीट शॉप में रखी हुई है तो वो शॉप में जो रखी हुई है वो बहुत ही सेंचुरी ओल्ड है क्योंकि वो मिस्टर नोबल थे, एक इंग्लिश मैन थे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे पहले, उनकी थी वो चेयर. तो वो उन्होंने अपनी स्वीट शॉप में रखी हुई है अभी. और उनके साथ उस मिस्टर नोबल के साथ उसका ओल्ड फोटोग्राफ भी है जगन का जो वो काफ़ी लाइक करता है. इसके बाद में जब वो घर जाता है, जब वो 7:30 घर जा रहा होता है अपनी स्वीट शॉप से, तो उसको रास्ते में कृष्णा डिस्पेंसरी मिलती है जिसके डॉक्टर जो ओन्ड बाय डॉक्टर कृष्णा, जो उसमें जो बैठते हैं डॉक्टर उनका नाम कृष्णा है. एक रास्ते में एक ट्रुथ प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है जिसका जो मालिक है वो नटराज है. जो ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस है उसमें उसने जगन ने भी एक बुक दे रखी है कि उसने एक बुक लिखी है नेचुरल क्योर एंड नेचुरल डाइट पे. ये जो हेडिंग है वो उसकी नोवेल की है नेचुरल क्योर एंड नेचुरल डाइट पे, कि ये बहुत ही मतलब गांधीयन फिलोसफी के हैं. तो ये ऐसी मतलब चीज़ों को लाइक करते हैं जो मतलब बिल्कुल नेचुरल होती हैं, जो इलाज के भी वही तरीके ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनको जो नेचुरल तरीके के होते हैं. सो वॉज वेटिंग टू बी पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स, मतलब उसने काफ़ी सालों से दे रखी है लेकिन ये शायद इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है. जो ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है नटराज, वो इसकी जो बुक है उसको नहीं अभी पब्लिश की है. He also passed along the dark Kabir Lane while going at home. और एक जो है गली का नाम dark Kabir Lane, इससे भी होकर गुजरता है. जगन likes in, live in ancestral home. वो अपने पूर्वजों के जो मतलब वो जो उनका पुराना घर है उसमें रह रहा होता है. जगन told to watchman not to allow any beggar in shop except Friday. कि मतलब जगन ने अपने वॉचमैन जो है कैप्टन है उसको ये कह रखा है कि मतलब सिर्फ फ्राइडे को छोड़ के कभी भी किसी बैगर को उसकी दुकान में एंटर ना होने दें. सो ही वुड पल्प द लेफ्ट ओवर स्वीट्स एंड फ्राई देम. और जो मतलब अगर किसी दिन बच जाती हैं जैसे मिठाई बचती हैं तो नेक्स्ट डे उनको क्रश करके और उनको वापस से फ्राई करवाता है. सो जगन डोंट पे एनी टैक्स विच ही अर्न आफ्टर 6 इन द इवनिंग. जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 बजे के बाद में वो अगर कुछ भी कमाता है तो उसको वो टैक्स फ्री रखता है. ओके, जगन वॉक बैक होम बाय 7:30. ही वॉज अपोज टू द यूज ऑफ टूथब्रश बिकॉज इट्स ब्रशल वर मेड ऑफ द हेयर ऑफ द पिग स्टील. और उसको मतलब जो जगन है उसको पसंद नहीं है जो ब्रश है टूथब्रश है वो उसे ब्रश करना, क्योंकि वो कहता है कि जो उसके ब्रिसल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, जो पिग की जो टेल होती है उसके बालों से बने हुए होते हैं. तो वो उसको लाइक नहीं करता. तो उसकी जगह पे वो क्या यूज़ करता है, ही यूज्ड ए ट्विग फ्रॉम ए मार्गोसा ट्री, कि जो नीम है उसके जो ट्विग लेता है उससे दातुन करता है वो, ब्रश हिज टीथ विद ए दातुन. जगन कॉल्ड मार्गोसा अमृत और संजीवनी, कि मतलब जो जगन है वो नोवल में जो नीम है उसको संजीवनी कहा है, अमृत कहा है, कि संजीवनी इन द सेंस कि वो डेड पीपल को भी वो कर सकती है, जिंदा कर सकती है. तो ये एक संजीवनी जैसी होती है कि, और वो खुद भी मतलब फ्रेंड्स वो ऐसा करता है कि जो उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं जो नीम के फूल होते हैं वो उनको घी में तलता है और फिर बीच में एक बार लेता है उसको, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि ये गुड फॉर हेल्थ है.
So Mali wanted to be a writer in Jagan's dictionary. Writer meant a clerk. So एक दिन क्या होता है, माली ऐसे कहता है कि मुझे स्टडीज़ आगे नहीं करनी है, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है, उस वो ऐसे कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है। और जो जगन था वो काफ़ी पुराने ख्यालात का होता है इसमें नोवेल में, तो वो कहता है कि मतलब उसकी डिक्शनरी में अगर ये वर्ड मानो, राइटर का मतलब क्लर्क होता है, तो पहले तो उसको पसंद नहीं होता कि मतलब क्या ये राइटर बनने की कोशिश कर रहा है, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा। बाद में उसे अच्छा लगता है कि चलो उनका बेटा दूसरों की राइटिंग नहीं पढ़ेगा, अब खुद का लिखा हुआ पढ़ेगा, तो मतलब मे बी इट्स अ गुड थिंग। सो माली डिक्लेयर दैट ही कुड नॉट स्टडी एनी मोर। जगन रिमेंबर्ड हिज ओल्ड डेज, हाउ ही कुड नॉट पास द BA, हाउ ही हैड स्पेंड हिज ईयर्स इन प्रिजन वैन गांधी कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन। तो जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाता माली, उसका बेटा जो होता है जगन का, तो जगन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हाँ भाई वो भी ऐसे ही किया था उसने भी, कि वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसने नॉन कॉपरेशन मोमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसको जेल जाना पड़ा था उनमें जो पढ़ाई के दिनों में। सो वो अपने पुराने दिन याद करता है जब वो माली मना करता है उससे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे आगे पढ़ना नहीं है। तो कज़िन टोल्ड जगन दैट माली माइट बिकम अ सेकेंड भारती और टैगोर और शेक्सपियर। तो आपने देखा है टैगोर और शेक्सपियर वगैरह कितने अच्छे राइटर हैं, तो कज़िन उसको मतलब सेटिस्फाई करता है ये कह के कि मे बी मतलब ये जो करना चाहता है इसको करने दो, मे बी माली जो है वो नेक्स्ट शेक्सपियर टैगोर बन सकता है, कि मतलब अच्छा लिख सकता है। तो माली ईट फूड इन आनंद भवन रेस्टोरेंट। तो माली हमें मोस्टली बाहर खाना खाता है आनंद भवन रेस्टोरेंट में, और उसका फादर अगर ब्रेकफास्ट उसको देता है तो हमेशा से उसको आदत रही है जब से वो छोटा था तब से, कि ब्रेकफास्ट के टेबल पे जब वो ब्रेकफास्ट देता था जगन माली को, तो उसके साथ में 5 रुपये भी रखता था, कि उसको बचपन से ही ऐसा लाड प्यार से रखा है उसने, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, क्योंकि जो उसकी वाइफ होती है अंबिका वो तो काफ़ी अर्ली मर जाती है, तो उसको मतलब वो फादर और मदर दोनों का काम उसी को करना पड़ता है, वही माली के लिए कुक करता है, वही माली का वैसे ध्यान रखता है। सो मोस्टली उसको काफ़ी अटैचमेंट होता है अपने बेटे से, लेकिन उनके मतलब ख्यालातों में जैसे वो बड़ा होता है उनकी ख्यालातों में डिफरेंस आने लग जाता है, जनरेशन गैप। सो नेक्स्ट इज माली टोल्ड इन आनंद विकेतन कॉम्पिटिशन फॉर द नोवेल्स, कि माली कहता है उसको जगन को अपने फादर को कि आनंद विकेतन नाम की एक पत्रिका है, वो एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है नोवेल्स के लिए, और जो बेस्ट नोवेल होगा वो उसको 25,000 देंगे, और जो लास्ट डेट है उसमें नाम सबमिट करवाने की वो 30 सितंबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। जगन्स वाइफ जो होती है वो कैसे मरती है, जगन की वाइफ जो होती है वो ब्रेन ट्यूमर से मरती है, ठीक है। माली गो टू अमेरिका टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ए नोवेल, ही टुक 10,000 रुपीज फॉर दैट, ही सेंड लेटर फॉर दैट एंड ही सेंड लेटर्स टू जगन साइन एज GM। सो फ्रेंड्स जो माली होता है एट लास्ट वो मतलब उसने डिसाइड कर रखा होता है कि वो तो नोवेल लिखना ही सीखेगा, वो नोवेल लिखना चाहता है, तो वो नोवेल लिखने के लिए मतलब सीखने के लिए कि कैसे लिखा जाता है नोवेल, तो वो अमेरिका जाना चाहता है। तो जब वो पहले स्टार्टिंग में बताता है जगन से, तो जगन को काफ़ी ऐसे लगता है कि कालिदास वगैरह, और माना कि ये लोग कोई स्कॉलर्स नहीं थे, तो मतलब कालिदास तो कभी कॉलेज नहीं गया था, कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन तो फिर इसे क्या ज़रूरत है अमेरिका जाने की। लेकिन वो नहीं मानता है माली, और 10,000 रुपये चुरा लेता है अपने फादर के पास से, और उसके बाद में अमेरिका चला जाता है। तो वहाँ से अमेरिका से वो उसको जगन को अपने फादर को लेटर भी लिखता है, और उस लेटर में नीचे साइन रहता है GM। तो लेटर में GM का मतलब होता है कि क्या मतलब होता है मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो आगे देखते हैं, माली रिटर्न विद ग्रेस। ओ सो मैं अभी रिवील कर ही देती हूँ, GM मतलब ग्रेस एंड माली, मतलब वहाँ से एक वो वापस आता है अमेरिका से, तो उसके साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम ग्रेस होता है, और जो साइन करता है वो लेटर के नीचे वो ग्रेस एंड माली, मतलब यही
वो शो करना चाहता है कि मतलब जो उस टाइम पे उसके साथ ग्रेस होती थी और ग्रेस और माली, मतलब इसका इस नेम का मतलब यही होता है, तो ये ऐसे साइन करते थे। तो ग्रेस के साथ में वापस आता है माली जब अमेरिका से वापस आता है, और उसको जब मतलब रेलवे स्टेशन से घर तक आने के लिए वो गफूर की टैक्सी हायर करता है, तो गफूर टैक्सी फॉर होम। माली वांटेड टू मैन्युफैक्चर स्टोरी राइटिंग मशीन। अब जो माली है ये टाइम टू टाइम अपने प्लान्स चेंज करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो मतलब अब वो चाहता है कि वो एक स्टोरी राइटिंग मशीन बनाए, तो वो चाहता है, इसलिए वो फिर वापस से फोर्स करने लग जाता है जगन को कि मुझे थोड़े पैसे दो, मुझे ये काम करना है वो काम करना है। एज़ यूजुअल इनमें जनरेशन गैप होता है, तो स्टार्टिंग में तो वो जगन नहीं लाइक करता, लेकिन एट लास्ट उसे मानना पड़ता है हर चीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, जो माली होता है वो ग्रेस को हनी या फिर ग्रेस कह के बुलाता है, जबकि ग्रेस माली को मो कह के बुलाती है, मो। ओके, सो ये ग्रेस कौन होती है और ये इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जो मशीन, जो स्टोरी टेलिंग मशीन है, उसके लिए उनको $51,000 चाहिए, मतलब आप कह सकते हो इट्स नियरली 2.5 lakh rupees। और ये अपने फादर से हेल्प लेना चाहता है, लेकिन अब आगे क्या होता है, उसके फादर मदद करते हैं नहीं करते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो स्टे ट्यून्ड। If any suggestion, please put it in comment box. And if you like the video, please press the like button. And इसके आगे in next video हम शायद पूरी story complete कर लेंगे जो novel की है, और mostly every point of the novel. Okay, thank you.